मैं बड़े दिनों से महसूस कर रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट का जो कुआं है वो शायद खाली हो गया है, क्योंकि इसके अलावा और नाम ही नहीं है। मतलब आपने संजू सैमसन को भी इंक्लूड कर ही लीजिए। संजू सैमसन का एज ऑफ नाउ 50-50 चांस मैं अभी भी मानता हूं टीम में होने का, क्योंकि अजीत अगरकर ने कहा है कि केएल राहुल की ओरिजिनल चोट तो ठीक हो गई है, बट उनको कोई फ्रेश निगल है। फिर उन्होंने कहा कैंप है, फिर वहां पे देख लेंगे पहला मैच दूसरा मैच। बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मैच सर पे है, लेकिन टीम इंडिया की सिलेक्शन में हलचल नजर आ रही है। जी हाँ, अजीत अगरकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कर दिया सबको परेशान। उनका कहना है कि केएल राहुल की प्रीवियस इंजरी तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उनका एक फ्रेश मसला नजर आ रहा है, उनकी इंजरी दोबारा से हो सकती है। अगरकर के इस बयान से एक नई बहस छिड़ गई और मीडिया भी हो गया परेशान और इस पे काफी चर्चा कर रहा है। केएल राहुल के फिट होने पे संजू सैमसन को देनी थी कुर्बानी, लेकिन अब सिलेक्टर्स पे ये सवाल उठ रहे हैं कि संजू सैमसन को ही खेलना बनता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हैं फिट और लड़ने के लिए तैयार हैं। एशिया कप से कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में तब्दीली की बातें होना कोई अच्छा साइन नहीं है। दोस्तों, क्या केएल राहुल पे रिस्क लेना चाहिए या संजू सैमसन को उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।